बोलिए सच्चे दरबार की जय हो, सच्चे दरबार की जय हो। तो सुनो, बताया कि ये इंसान और इस घोर कलयुग के अंदर भाई मन है ना, मन इंसान ने भटकाव बहुत है। कदे ही बाबा कदे भी बागे बागे कदे भी बागे बागे कदे भी मागे। अब क्या है, वैसे 33 कोटी देवता है और 33 करोड़ बना दिया, ऐसा नहीं है संसार के अंदर। और ये जो सृष्टि रची है परमात्मा ने, जो अपना रूप दिया है, बताते हैं वेद शास्त्रों में भी भगवान ने हमारे को अपना रूप दिया है। अब परमेश्वर ने देवी देवता भी परेशान हो गया अपना। अभी एक नारियल में भू भाव है, भू तो रुपया 15 लाख लागे ब्याह करे, और फिर श्रद्धा भावना खत्म हो गई, भाई भाई को प्यार खत्म हो गया, माँ बेटा को खत्म हो गया, दुनिया का जूत बाजा घर में, वो सारो मन को और काल को खेल। अब के जितनी आपने भी मोती है तो आगो सारा को प्रधान है शंकर भगवान शिव जी, बने क्या करें। अब शिव जी महाराज परेशान हो गया और बे माता माँ जगदम्बे माँ शेरा वाली के नेकदे सारा इकट्ठा हो गए और चलिया गया और जाके कुंडो खड़काया इतना। अब अंदर आवाज आई, बोले कौन है भाई? अरे बोलो तो जमाने बुरा हाल हो रहा। अरे माता रानी जब खोलिया कुआड़ बोलो जर जफ माँ के चरणाम जा बुड़े, बोले माँ ओ के सोदो है ओ। बोले भाई के बात हो गई, तूने प्रधान बना रखे है, तू थोड़ो अन साम के रखा कर। अरे ते नीचे एमपी पीएम सारा छोटा छोटा ये और है ना, हनुमान जी है राम है ये भी तरह है जो कर अपने छोटे शहर का मंत्री हुआ। अब शंकर भगवान कहे माता रानी ने और दुनिया के हालात सुनावे एक भजन के द्वारा के वो शेरा वाली माँ जगदम्बे अरियो की सार चा संसार। अब पापा कहते हैं बोले यार सुन को नहीं यार लोगों भगवान गई को नहीं आपने किया भाई। अर शेरा वाली माँ जगदम्बे यो की सार चा संसार अर समझ में आवती को न्या ओ जय हो। ओ शेरा वाली माँ जगदम्बे किसार क्या संसार समझ में आवती को न्या शेरा वाली जगदम्बे की सारचा संसार समझ में आवती को न्या आवती को न्या आई थे जमालंग त्री आ जाओ खम्मा खम्मा लंग त्री। अरे दिन का जाइयो थारे घर आज बाप बेटी कर दुश्मन हो गया। ये सुनो चेतावनी भजन है समझने की चीज बात है। आज बाप बेटी कर दुश्मन हो गया अरे ना भाइया मैं प्यार कह के भाई जड़े छोरी ब्याह देता नहीं बिंग कंकड़ को पानी कौन पिया करता बुजुर्ग आदमी बैठे दो चार ये सच्चाई है जी। आज तो बहुत बुरा हाल हो रहा है। यो मतलब कलयुग की निशानी है यार, बोलो कलयुग आओगे वो रथ लेके आओगे। अरे वो तो पूरे बैठे थोड़ी देर में दिखा दूंगा 5 मिनट के अंदर अंदर। ये रे बाप बेटी कर दुश्मन हो गया अरे ना भैया मैं प्यार अरे न्यू कैसे सुनो कभी औरत है ना मर्द बिना सार ले औलाद बिना कौन सारा बिंग सारा दिन कट जाए पाल ले जवान हो जाए तड़कन ब्याह ठा दे रख गए बेल बन साल। आजकल माँ बेटा को भी बहुत खतरनाक शुद्ध हो रहे हो। पहला माँ होया करती ये तो चौंसला है बोले आदमी बिना लुगाई रोटी कौन खाए बेटे हो जब तक रोटी नहीं खान तो नहीं जितने तक आदमी तो नहीं दिखाया करती पौंती नहीं इतने सार जानती
साग चाखन चाखन में दो रोटी तो फिर भूख टूला गया। राज बोले खड़े जा रहे हो तुम आ जाए, बोले मां मैं बड़े गुट खड़े जा रहे हो, बड़े नोई नहीं है, बुला लियो मैंने। बोले कितना पैसा ले गया, ये हालात हो गए। अरे के बतायो, ये रे बाप बेटी कर दुश्मन हो गया, अरे ना भाई है भाई प्यार, अरे पैसे खातर रुपया खातर है, बोले कुदल ला रहे हो तेरे बस की बात को नहीं, अरे पैसे खातर है, अरे बोलिया रुपया खातर, अरे पैसे खातर माँ बेटे की रोज रहे तकरार, समझ में आवती को अर मांगे सासू पे अधिकार। पहला अगर दी मेरी माँ मैंने ब्याह करो नहीं जो न्यारी हुई मेरी दादी और दादा, और आजकल तो छह बिना तो आधी न्यारी तो फोन पर ही हो जाए, फोन पर बात होने लगी। आजकल जब रिश्ता टूटा है, जब लड़ाई हुई, क्यों मोह प्रेम खत्म हो जाए फोन पर बात कर करके, ये सच्चाई है। और थेने सोचो करो कई बकर लाग रही, मैंने मेरे बाबा गोदी कौन लियो कदे, पहले लेनता कौन है, कौन लेनता नहीं, हाँ पहले लेनता कौन है, शर्म आया करती। अरे तो छह बिना मैं छह बिना वह कई दिन तो सेवा करेगी, पैर पार बोचेगी, और फिर उर पगार उर सी आ जाए कह माऊ भाई दिन गुड की जाए बाड़े में जब पूरा बच्चा भी अड़ चलो छुम छुम बच कह माऊ वो डेढ़ किलो बोझ थे क्या मिल टकाया फिर कह बेटा के बोले चाबी अड़ कुछ। अब सासू बिछाणी बोलता ने के करणो बेटा कपड़ा लत्ता हीरा जोरा तने के चाहिए बीता, बोले मने वो गुच्छो चाहिए चाबी वालो। अर जे कोई भी घर की दरियाणी बनी बैठी इन जानते ही पकड़ा दियो नहीं, आजकल एक काम और भी हो जाए करे अड़वा सी टलका दिया फिर को कहो को नहीं। अरे छह महीने आई न होवे अर मांगे सासू पे अधिकार, अर जद सास बहु की होवे लड़ाई जूत बजे जूत बजे, अर जद सास बहु की होवे लड़ाई और दे बहु सास के मार शर्म करावती को तेरो भी गांव में पग फेरो हो कहीं गई। अब कह बूट की टपकी बड़ कानी डोली का मां कर गई जब बैठो बैठो इतना, और बोलियो मां
आज दीन ने रात दी पढ़ना है खींच के काट दी कुर्तियां काट दिया लड़काया बोलियो माँ की तो बोली कौन पटन दांत हाई कौन है बोलो चाल माँ अपने कान चाल अभी नहीं माँ आगे ओ खेलियो हो पढ़ने नहीं इन्हें मेरे कान पढ़ने तो कुल्फी रहा है बोले माँ वो अबे का बोल डट जा अब जो कि ये बड़ोड़ी भी नहीं आउंती नहीं ठीक ठाक आउंती रे ये भाई यानी ग्रेजुएट पढ़ड़ी आम बड़ोड़ी आना और ज्यादा शानी कर दी क्या इशी है दापनों के लिए बाकी बड़ोड़ी ठीक ही हाँ अब बोले माँ वो अबे बोले केवा तो ही बोले इतना इतना ना बोले छोटी है टलका दी बोले कण टलकाई बोले भी नहीं अब भी मौको मिल गया बोल तू कहीं नहीं बोले मैं इंगे मेरे पटेड़ी बोल जाऊंगी रे अति पटेड़ी ब्यूटी पार्लर सिखेड़ी रे बाल लगाऊंगी बो कराऊंगी ऊं करूंगी बू करूंगी करेगी के मुंह बुंडो कर लिए बीक नहीं रह जाके हर मैं तन पटी मऊ देख चार पटेड़ी ही मेरे बाबा पहले टाली बोले बेटा अपने खेत क्यार को काम सीख ले अगले घर जाके करो के कर लो अब बोले इतना है अब मऊ आगे तो राखनी पड़ेगी अब बिंदी की भी मऊ आगे तो बब्बो एकदम दो बदे अगर मैं पाइयो हट रोज को गट देना ही पता है बिरनी विशानी बोली इतना कौन सा है बोल तो बोल बंटेर जो करो बोल तो बोल माऊर रहेगी तो बाबू बैठे रहो आ सच्चाई है सजनो तो माँ कठेर बाबू कठे है नहीं माऊ कठेर बाबू कठे अब बोलो काला होगो तू मेट्रो में हो वो आ रही है अब हो गया कसूतो काम हो गया जैसे अब नेहरा नेहरा हो गया इन्ने माऊर इन्ने बाबूर एक दिन भिन्ने बीस दिन में सूत बैठ के दोनों गलीम मिल गया अब जीवन साथी आ बूढ़ की वो सांस ऊपर नीचे चढ़े वे बूढ़ी इनकी रोटी पानी ढंग में मिले कोने हर बूढ़ी भी सोचता है वे बूढ़ी ठीक ठाक है कोने अब पूछ लिया करे है बोलियो था हाय भैया बूढ़ियो बोलो मेरे टेम्पल में तेरे को बोले बूढ़ बहु बबीन ने ऊपर कपड़ा धोने लग रही बोले थारो सत्यानाश हो गया 80 साल का हो रहे अरे भी बोले चुगली करने लाए गले निकले फिर छोरी यहाँ कने फोन करे ऐसे की कहे नहीं भी मैं न्यू करांगा और न्यू करांगा कहे बोले मारे भाई बात कौन बोले बात डांगो बोले पंती ले जे फिर लही है बात तो इधर कागजा में ले जे लिखवा के कोर्ट में ए हालात हो रहे हैं बेटियां को इंदिरा गांधी करे हो सारो सुधो सच्चाई है अधिकार अच्छी बात है लेकिन इतना अधिकार दे दियो पंती बंटान लग गई छोरिया फिर फोन कराए बोलो सुना है कैसा ना बोलो के बोलन तेरे मान तेरे बाप बंटी कालो नहीं थर सागर ले जो पहले बड़ोड़ी नंद कनर फिर छोटोड़ी नंद कनर सॉरी अंगर अब आप रह जड़ कांकड़ में पानी कौन पिया करता यू है पर मिसेज नो काल और आप वाली कौन देखे आप के करे आप तो शाम ने थोड़ो सो काम कर लियो नहीं फोन करेगी हेलो कद सी आओगा थे बोले मन तो आज मोड़ो जो थोड़ो सो काम रह रही है उरे न्यू करेगी फोन के मां तो क्यों गयो कह मेरो तो आज सिर दुख है थे इतना करियो आंदा सामने दो बर्गर लिए यो अरे सर क्यों रोटी बनावे कौन है और वो भी बेचारो न्यू को ले आऊंगो घरवाली को फोन आके और पाकिस्तान वाले तोप छोड़ दी एक ही काम है ये हालात है अरे बतायो ये रे बुड्ढा बुड्ढी आपस में बतलावे ते बात चली जा बाय सो कोस में बात चली जाए दो सेकंड में अरे बुड्ढा बुड्ढी आपस में बतलावे ते बात चली जा बार अरे आज काल की रे बन्नो देखो आज शाम नतावला ये शॉपिंग करके आऊंगा अरे बोले अंडे बीच बाजार सर में
अरे गुरु जोगी राम संग अरे खूब करया प्रचार। कभी ऋषि मुनि संत फकीरों की धरती है हमारा हिंदू देश, और ऋषि मुनि संतों ने बार 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 और इस धरती पर अवतार लिया परमात्मा ने अनेकों रूप में, और इंसान को समझाया कि इंसान अगर तेरे को संसार सागर से पार होना है तो इस मोह माया जाल को छोड़ के और उस परमात्मा की भक्ति कर, लेकिन मन नहीं बने। मेरे तो गाल दी, लेकिन इनका उदाहरण है कौरे कितना बैठे है। मान ले अगर 100 आदमी बैठे है ना, तो एक ही आदमी सो पाओगे थाने, अरे रुक जाड़ को जा भाई, जगह ही भजन में ध्यान दियो है, अरे नहीं देखी आंख हाथ सुनाई है सारो भजन भी सासुर भूर भी नहीं निकले है, अरे ये विरह के बतलाओ वो भजन देख कुकुर का अरबी को शर्त हो गए नहीं रांड क्या क्या इतना बतलाओ कि न्यू कौन कह कि भाई मान ले आप सासु की सेवा करांगा, अरे टड़का दी पटड़े डोली के मकर, ये है अपनी दुनिया, ये है सच्चाई। सुनने वाला भजन सुने ही कोनी, कितनी देर होगा प्रोग्राम होता ने कोई बढ़िया भजन नारे के गावेगा, और न्यू धड़े धड़ा धड़ बाजे जाओ, और खड़ी होगी दो चार नाचे के दो चार नाच, बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। ये रे राम करण ने अरे गुरु जोगी राम संग अरे खूब करया प्रचार, अरे न्यू बोलिया भाई दस मानस अरे दस मानस सुननिए होवे मेरे रड़का जे हाल क्यों सागर हो नहीं मेरा सी, अरे दस मानस सुननिए रे होवे अरे नब्बे मूड गवार समझ